अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस साहब साहब बॉर्डर और पाकिस्तान देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज मैं मौजूद हूँ, सेकंड एक एक्सपो हो रहा है यहाँ पे। एक्सपो का नाम ही जेन से निकल गया, ये तो हमारे हालात हैं। बेसिकली दिस एक्सपो इज अबाउट कि पाकिस्तान के अंदर जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनके बारे में है, और जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। अभी मैं ऑटोमोबाइल वाले सेक्शन में खड़ा हूँ, यहाँ पे मुझे यूनाइटेड का स्टॉल नजर आया है। इसके अलावा और भी बाकी मतलब हाईटेक इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उनके स्टॉल्स हैं यहाँ पे। जो मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह हम बनाते हैं वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। जिस चीज ने सबसे पहले मेरी अटेंशन पकड़ी है वो यूनाइटेड की ये 150 सीसी मोटरसाइकिल है, और अभी इसके दो वेरिएंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। देखने में तो ये बहुत ज्यादा होंडा की सीबी 150F जैसा लग रहा है। और जब मैंने पूछा था यूनाइटेड के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे कि इसकी प्राइस क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसकी कीमत है $1100। और $1100 में आपको मिलता क्या है, फ्रंट पे आपको जनाब अली सबसे पहले एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, पेट्रोल डिस्क मिलती है, और ड्यूल पिस्टन कैलिपर के साथ डिस्क ब्रेक मिल रही है आपको। उसके बाद अगर हम लाइट्स की बात करें तो आपको क्रिस्टल लाइट्स मिल जाती हैं। इसकी फ्रंट पे इसका वाइजर बनाया हुआ है, इसका एक ऑल एलईडी इंडिकेटर है, बट उसके अंदर एक बल्ब है सैडली। फ्रंट पे एक रेगुलर स्टाइल का टायर है, और 2.75-18 इसका साइज है। फुल ब्लैक्ड आउट इसका इंजन है, और एक सिंपल कार्बोरेटर लगा हुआ है उसके ऊपर। यूरो 2 के साथ आता है ये इंजन, और इसकी जो बॉडी का स्टाइल है ये होंडा के सीबी 150F की तरह का बनाया गया है। 5-speed इसके अंदर गियर बॉक्स आता है, ये मोटरसाइकिल सेल्फ स्टार्टर वगैरह के साथ आता है। और अगर हम इसके फीचर्स की बात कर लें तो ये इसका स्पीडोमीटर है, 120 तक इसकी टॉप स्पीड है, 12,000 तक इसका RPM जाता है, फ्यूल गेज है, गियर पोजिशन इंडिकेटर है, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। और अगर आप बाकी देखो इसके ऊपर तो आपको बार एंड वेट्स नजर आते हैं, किल स्विच वगैरह नजर आ जाता है, डिपर नजर आ जाता है, एक स्पोर्टी सा फ्यूल टैंक है इसका। और ये जो मैं आपको बात बता रहा था कि यूनाइटेड इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस $1100 है। प्राइसेस क्योंकि बहुत ज्यादा बार बार चेंज होती हैं, तो इसलिए हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, अच्छा किया उन्होंने कि कीमतें जो है वो डॉलर्स में ही कर दी है, ताकि ज्यादा लंबा चौड़ा मसला ना हो। और बैक पे जो टायर का साइज है वो 3.25-18 है। अब ये थोड़ा सा ऑड साइज है, क्योंकि चाइना में जब ये बाइक्स बनते हैं तो वहां पे ये साइजेस चलते हैं, तो दिस इज एक्चुअली अ CBU यूनिट जो मुझे देख के लग रहा है। इसकी क्वालिटी काफी प्रीमियम लग रही है। और अभी सर से रिक्वेस्ट करते हैं, आप काइंडली इसको स्टार्ट करके सुना सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। तो ये थी यूनाइटेड की 150s। और इस बाइक के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो क्या क्या इसकी फीचर्स हैं जो लोगों को मालूम होने चाहिए, मतलब स्पेशल क्या है इसके अंदर? पांच गियर हैं, ठीक है। आगे डिस्क ब्रेक है, सेल्फ स्टार्ट है, ठीक हो गया। और ये बुक कराना पड़ता है या कहीं से भी अवेलेबल हो जाता है? शोरूम, यूनाइटेड के जो शोरूम है वहां से बुक कराना पड़ता है। ओके, और डिलीवरी का टाइम वगैरह कितना है इसका? वो बताएंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।